Namaste. Good morning, good afternoon, good evening. I am Dr. Suresh and I am going to talk to you about sugar disease or blood sugar disease. Namaste ji. कहने तो आज सिर्फ ये जा रहा हूँ कि ब्लड शुगर की बीमारी क्या है, उसका मतलब क्या है, ये समझाने का कारण ही किया मेरे पास। तूने ऊपर का ऑन कर दिया? ठीक है, ठीक है। ये सब समझाने का आज जरूरत इसलिए समझी है कि आज ही मेरे पास सुबह एक पेशेंट आए कि जी 20 साल से शुगर की बीमारी है और मैं तो दुनिया के बहुत बढ़िया डॉक्टरों को देख चुका हूँ, 15 किस्म की दवाइयाँ खाता हूँ, लेकिन अब पिछले महीने से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, पहले कंट्रोल। तो आप मुझे स्पेशल क्या बताओगे? किसी ने आपका बड़ा नाम लिया तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उसी के दौरान मैं आपको भी समझा दूंगा ब्लड शुगर का मतलब क्या। उनको मैंने पूछा आपको पता ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है, कहते हाँ जी चीनी और शुगर ना खाओ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्राणी मतलब पेड़ पौधों से लेकर घास से लेकर कछुए से लेकर चूहे से लेकर चींटी से लेकर इंसान तक ऐसा नहीं जो शुगर के बगैर जी सकता हो। फॉर दोस हु आर इंग्लिश स्पीकिंग आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश आफ्टर आई फिनिश दिस। तो कोई ऐसा प्राणी नहीं अगर जो शुगर के बगैर नहीं जी सकता, तो शुगर को हम बीमारी क्यों बोलते हैं और शुगर बंद करने की क्यों सोचते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं शुगर है क्या। आप घास खाओ, आप फूस खाओ, आप पत्ते खाओ, आप फल खाओ, आप तना खाओ, आप किसी का दिमाग खाओ या किसी का मांस खाओ, मीट खाओ। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, कह तो ये रहा था कि मच्छर आया इतने में काट गया। इन मच्छरों के बारे में और ये काटने से क्या होता है और कैसे बचा जाता है ताकि मच्छर में काटे, ये बाद में बात करेंगे। आज तो ये बात कर रहे हैं कि डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती क्या है। ये बता रहा था कि शुगर के बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। अगर हम जिंदा नहीं रह सकते तो शुगर शुगर करते रहते चक्कर क्या? वो चक्कर बताने जा रहा हूँ जिसको अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि डायबिटीज की बीमारी हो गई और हुई इतनी बुरी है कि सारी बीमारियों को पीछे छोड़ गई। आज के जमाने में छोटी मोटे देश जो गरीब देश कहलाए जाते थे उनमें भी शुगर की बीमारी फैलनी शुरू हो गई है बुरी तरह। हमें जब शुगर की बीमारी का पता ही नहीं तो हम कैसे ठीक करेंगे? उसका कारण ये है कि अगर हमें पता ही नहीं कि दीवार में पानी का धब्बा क्यों पड़ा, कहाँ से पानी लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, अगर यही नहीं पता तो उस धब्बे को जितनी मर्जी पेंटिंग करते रहो, स्क्रैचिंग करते रहो, वो धब्बा आज नहीं तो कल दोबारा फिर आ जाएगा, छोड़ेगा नहीं आपसे। लेकिन अगर कारण पता चल जाए कि कहाँ से नलका लीक कर रहा है तो उस लीक को बंद कर देंगे तो सारी बीमारी चली जाएगी जड़ से। और हमें सिखाया यही गया कि सर दर्द है तो ये गोली, बदन दर्द है तो ये गोली, पेट दर्द है तो ये गोली, डायबिटीज है तो ये गोली, ये असर ना करे तो दूसरी गोली, दूसरी न करे तो तीसरी। तो अब ये बता रहा हूँ कि शुगर की बीमारी का मतलब क्या है। तो उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि शुगर की बीमारी कोई बीमारी नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर शुगर की जो जरूरत है उसको हमने कैसे बीमारी बनाया वो बताने जा रहा हूँ। शुगर जब शरीर में जलती है तो एक ही चीज़ से जलती है, वो है इंसुलिन, और वो जलती है अक्सर मसल्स में। मसल्स में इसलिए कि शरीर में जो असली कर्म होता है वो सब मसल्स के थ्रू होता है। हार्ट है तो हार्ट का मसल, लंग्स है तो लंग्स का मसल, छाती का मसल, और हाथ हिल रहे हैं मेरे तो हाथ हिलने का मसल, मुंह से बात कर रहा हूँ तो बात करने का मसल, आवाज़ बन रही है तो आवाज़ वाले इस एरिया का मसल, ये मसल ही काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो शुगर है तो वो जब तक जलेगी नहीं तब तक हम कोई काम कोई कर्म नहीं कर सकते, और कर्म नहीं करते तो समझ लो मरे मरे, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। लेकिन बचना तो हमने है,
दिमाग थोड़ा सा दिया हुआ हमें, हालांकि इस्तेमाल हम 1% भी नहीं करते, पर है तो है। शुगर बढ़े तो शरीर फिट कर देता है, शुगर कम हो जाए तो शरीर फिट कर देता है। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, यानी कि बैलेंस रखना सेंटर में। बढ़ जाए तो कम कर देना, कम हो जाए तो बढ़ा देना। तो पहले तो मैं आपको डायबिटीज़ की डेफिनेशन बताऊं, जिसको मैं डेफिनेशन समझता हूं। वो डेफिनेशन है कि जिस लेवल पे शरीर शुगर को बाहर फेंकना शुरू करता है, जिस लेवल पे, उस लेवल तक शरीर को शुगर की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है और उसको फिट रख सकता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है। तो हमें आज की डेट में इतना पता है कि 180 मिलीग्राम्स परसेंट से अगर ऊपर शुगर होगी तो वो पेशाब में निकलना शुरू कर देगी। एक्चुअली पसीने में भी निकलती है और कहीं भी निकल सकती है, पर पेशाब से खास निकलती है। अगर 180 से ऊपर शुगर पेशाब में निकलती है, इसका मतलब 180 से नीचे वाली शुगर को शरीर शुगर की बीमारी नहीं समझता, वो उससे डील कर लेता, उसको उससे संभल सकता है, उसको बचा सकता है। तो इसका मतलब अगर आपकी शुगर 180 से कम ही रहती है 24 घंटे, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको शुगर की बीमारी अभी नहीं हुई, पर होने जा रही है। इसकी वो साउंड रिकॉर्ड हो रही है उसको। अगर 180 से ऊपर शुगर जाती है तो इसका मतलब उससे ज़्यादा शुगर जो है वो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो शुगर शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है, और कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी ही बीमारी लाती है। अर्थात अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के PhD करके रोज़ काम करने जाता है और रोज़ 1000 रुपया शाम को घर लाता है, और आप उसको 2 थप्पड़ मारो और बोलो ये ले भाई 1000 रुपया घर में ही तुझे दे रहे हैं, तू घर बैठा रहे कमरे में, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और जब पैसे फालतू जेब में हो जाएंगे तो उसका वश चलेगा तो बड़ी गाड़ी भी खरीद लेगा, उसका वश चलेगा तो दारू भी पिएगा, उसका वश चलेगा तो बिगड़ेगा भी। इतना ही नहीं, साल 2 साल के बाद वो अपनी PhD भूल चुका होगा, फिर वो ज़िंदगी भर PhD वाला काम नहीं कर सकेगा। वही मेरी कहानी है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मरीज नहीं तो मैं डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर नहीं तो तुम मरीज नहीं। तो मरीज हमने बनाए और डॉक्टरों को तुमने बनाया, उसके लिए धन्यवाद आपका। कहने का मतलब ये था कि जब शुगर बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ती है, उसका बड़ा सिंपल कारण है, किसी वजह से शुगर या इस्तेमाल नहीं हो पाती, या शुगर ज़्यादा ले ली जाती है तो इंसुलिन उसको जला नहीं पाती पूरी तरह, या इंसुलिन की कमी हो जाती है। शुरू में अगर आप खाना फालतू खाएंगे किसी भी कारण से, किसी भी अंधविश्वास से, किसी भी इग्नोरेंस, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा शुगर आएगी, ज़्यादा शुगर आएगी तो ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। तो जवानी में तो आपके पास है इंसुलिन, थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे 25, 30, 35 साल की उम्र होगी खाना बढ़ता जाएगा और इंसुलिन कम होती जाएगी, और एक दिन आएगा जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है शुगर के नहीं पूरी तरह जलने का, वो है इंसुलिन की कमी। और दूसरा कारण बड़ा सिंपल, या इंसुलिन की कमी या इंसुलिन जला ना पाए, और जलाना उसने मसल्स में ही, जलाना उसने बॉडी के सेल्स में ही, और सेल्स को फालतू शुगर आती रहे और फालतू इंसुलिन आती रहे तो एक दिन वो दुखी हो जाएगा, वो सेल दुखी हो जाएगा और बोलेगा रोज रोज ये उंगली करते रहते मुझे, तो वो उससे उसको कोई असर नहीं होगा, वो ढीठ हो जाएगा, ढीठ हो जाएगा तो वो इंसुलिन की परवाह नहीं मारेगा, शुगर की परवाह नहीं मारेगा सेल। जब वो शुगर और इंसुलिन की परवाह नहीं मारेगा तो शुगर इंसुलिन से जल नहीं पाएगी, उस चीज़ को हम डॉक्टर लोग बोलते इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई। कोई आपको ये कहे जी ये तो जेनेटिक बीमारी, ये तो भूल जाओ, जेनेटिक होती तो आज से 100 साल पहले भी इतनी होती, 1000 साल पहले भी इतनी होती, ये तो कभी नहीं हुई, तो अभी आई इन 200-300 सालों में शुगर का निकला है कि भी शुगर की कोई बीमारी होती है, उससे पहले तो पता ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि या इंसुलिन की कमी या
इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। पर आपने इनडायरेक्टली सुना होगा कि फालतू खाने से होती है, अगर शुगर फालतू आती रहेगी तो ना तो शुगर को इंसुलिन जला पाएगी, थक जाएगी, और ना ही इंसुलिन को कुछ सेल जलने देंगे, और इन दोनों का कारण है खाना। अब खाने से मैं आपको पीछे ले जाऊं, ये शुगर बनी कैसे। शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मेल, और ये सिर्फ पत्तों में होता है। पत्तों के ऊपर जब सूरज की किरण पड़ती है तो पत्ते पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड यानी हवा को जोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो ना पानी पानी रहता और ना हवा हवा रहती है। ये मिक्स होके C6H12O6CHO कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। इसका मतलब हमारी असली खुराक तो पेड़ पौधे पत्ते ही हैं। अगर पेड़ पौधे पत्ते ही हैं तो वो हम खाएं, पहले तो ढूंढें, तोड़ें, खाएं, फिर अंदर पकाएं। अब पकाएं पे बात बताऊं आपको कि पकाने के लिए हमारे पास जो किचन है अंदर वो 22 फुट से 28 फुट की लंबाई का है, 28 फुट का किचन है, और अरबों इसमें कुक है। अरबों कुक का मतलब थूक बनाने वाले सेल्स अरबों, एसिड बनाने वाले सेल्स अरबों, लिवर के पानी के सेल बनाने वाले सेल्स अरबों, पेनक्रियाज के सेल्स अरबों, आंतड़ी के सेल्स अरबों, ये सारे स्पेशलाइज्ड कुक हैं जिनको बनने में कम से कम 700 मिलियन ईयर्स लगे। बन बन के बेटर होते गए और एक्सपर्टीज बनती गई, और एक दिन ऐसा आया कि आज हम कुछ खाएं तो दांत चबाना शुरू कर देते हैं, थूक मिक्स होता जाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को तोड़ के वो सिंपल शुगर्स बनाता है, फिर पेट में जाता है तो जो स्टमक है वो ऐसे ऐसे उसको चर्न करता रहता है, उसको हिलाता रहता और पतला करता जाता और शुगर को पकाना शुरू कर देता। वहीं से फिर वो पानी जब पक जाता है, जिसको 1.5 से 3.5 घंटे लगते हैं, पेट को 1.5 से 3.5 घंटे लगते हैं उसको पकाने में, फिर वो पका के अगली स्टेज पे भेज देता है आंतड़ी में भेजता तो लिवर से पानी आता है, वो पानी उससे मिक्स होता है तो वो फैट्स को पकाता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, फैटी एसिड्स बना देता है। और इधर पेनक्रियास से एंजाइम्स आती हैं, पेनक्रियास से फ्लूइड आता है, पेनक्रियास से लिक्विड आता है, वो उसके प्रोटीन को पकाता है और बची खुची शुगर को पकाता है, पका के फिर वो आंतड़ी में जाते हैं, फिर आंतड़ी उनको थोड़ा सा और पका के फिर पचाना शुरू करती है, फिर वो पचाती है और अल्टीमेटली जो बचा हुआ गंध है वो नीचे निकाल देती है। इस सारे प्रोसेस को 3.5 घंटे से 72 घंटे लगते हैं अगर आपने कच्चा खाया होता तो, अगर शरीर ने पकाया होता तो। पर शरीर पकाता कितनी डिग्री पे ये बता दूँ, 37 डिग्री पे पकाता है, लेकिन हम जब खाना पका लेते हैं बाहर तो वो 15 मिनट में पका लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे 37 डिग्री नहीं है, उस हीटर में 1960 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है जो पानी को उबालता है 100 डिग्री पे, और 100 डिग्री पे खाना पकता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो 100 डिग्री पे खाना पकता है वो शरीर जब 37 डिग्री पे पकाता है तो कम से कम 3 गुना टाइम लगता है, मीन्स खाना धीरे धीरे अंदर जाता है। जब बाहर का पका पकाया खाओगे तो जल्दी अंदर जाएगा तो बोझ बढ़ जाएगा ब्लड पे, ब्लड वेसल्स पे, सारे ऑर्गन्स पे काम करने के लिए, और पेनक्रियास पे बोझ बढ़ जाएगा इंसुलिन बनाने के लिए। अगर वो 3 गुना ज़्यादा टाइम में गया होता तो 3 गुना कम मेहनत करनी पड़ती हर आदमी को। मुझे कोई कहे 10 किलो का डब्बा 20 बार रोज लाया था तो मैं आराम से ले जाऊँगा, लेकिन कोई ये कहे 10 किलो का डब्बा 20 बार लाने के बजाय 200 किलो का डब्बा एक ही बार ला तो मैं तो हिला भी नहीं पाऊंगा। यही हालत शरीर की होती है इंद्रिय, और इसी हालत में शरीर क्या करता है, मेरे वश का रोग नहीं है, जीत हो जाता तू आगे जा, तो स्टमक क्या करता है, पके पकाए खाने को धक्का मार के आगे भेज देता है,
जबकि वो पका रहा था तो पका नहीं पा रहा था, वो देख रहा है तो पका पकाया आ गया, तो एसिड का एसिड ही बना रहा, और अब जब आगे धकेल देगा तो एसिड साथ में धकेला जाएगा तो वो गंतिक अल्सर करेगा। मैदा जलाएगा तो खुद को जलाएगा या आंतड़ी को जलाएगा, जलाना था उसने खाना, खाना जला जलाया आ गया तो कैसे जलाए, वही हालत होगी जो अगर आपके बच्चे को आप रोज ही 1000 रुपया दे दें और बोले दुकान पे मत जा, तो वो तो सब कुछ भूल जाएगा सारा काम किया हुआ, और उसकी ऐसी तैसी फिर जाएगी, बुरी आदतें पड़ जाएंगी, और वही आदतें अगर पेट को पड़ गई तो एसिडिटी होगी, डॉक्टर साहब गैस बड़ी बन रही है, भाई गैस बड़ी बनती तो बेचारा स्टमक क्या करे, स्टमक का तो काम ही एसिड बनाना था खाने को पकाने के लिए, पका पकाया तो मैंने खा लिया तो ऐसी तैसी फिर गई। अब ये एक्स्ट्रा शुगर जो ब्लड में जाती है वो एक्स्ट्रा इंसुलिन मांगती है, एक्स्ट्रा इंसुलिन शुरू में तो मिल जाती है और एक दिन आता है वो थक चुका होता है पेनक्रियाज, वो कहता है इसने तो तसल्ली कर दी हमारी, मैं नहीं बनाता और इंसुलिन, तो वो इंसुलिन कम करना शुरू कर देता है, वो कम करना शुरू कर देता है तो ब्लड में शुगर जलती नहीं और कुछ नहीं जलती मसल सेल्स में जाके या सेल्स में जाके, क्योंकि वो भी ढीठ हो चुके हैं, वो कहते हैं तू आ जा इंसुलिन, तू आ जा शुगर, हम तो नहीं करेंगे कुछ भी। ऐसा करते करते एक दिन आता है कि हमें शुगर की बीमारी हो जाती है, और हम इतने अक्लमंद हो चुके हैं, हम मतलब मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ कि तुम आए ये ले भाई गोली नंबर 1, ये ले गोली नंबर 2, खा ले तो ठीक हो जाएगा, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंज कर ले, लाइफस्टाइल की डेफिनेशन तो दी नहीं, कोई बोलेंगे खाना बदल दे, खाने की डेफिनेशन तो दी नहीं, कोई बोलते हैं वजन कम कर, वजन तो ऐसे कम करना हो गया जैसे स्विच है कि जाके घर में स्विच ऑफ कर देना तेरा वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप लोगों को हम लोग ये नहीं सिखाएंगे कि क्यों कैसे होता है तब तक आपको समझ नहीं आएगी, जब समझ आ जाएगी तो आपको खुद ही पता है कि क्या खाना है। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, हम रोज बात किया करेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि दवाइयाँ कितने किस्म की होती हैं और कैसे दी जाती हैं और वो कैसे असर करती है। जब आपको ये पता चलेगा मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप गोली को हाथ भी नहीं लगाओगे और ठीक भी हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर सुरेश, इन योर सर्विस।